मामला मारपीट का नहीं है बल्कि लोगों की पीड़ा का है। कोई व्यक्ति गेहूँ सरकारी क्रय केंद्र पर बेच के आता है, उसका पैसा बैंक में आए, गन्ना का पैसा बैंक में आए, और वो केसीसी में लोन लिया है या वैसे लोन लिया है, अब लोन इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने 1 लाख तक का कर्जा माफ़ करने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी लिखित में बैंकों को आदेश जारी नहीं हुआ है, और वो उनका जो पैसा पड़ा हुआ है खाते में वो पैसा देना नहीं चाहते कि भाई इन पे कर्जा है। कर्जा के लिए जब माफ़ करने के लिए कह दिया गया सरकार ने, तो इंतज़ार कर लेना चाहिए। कर्जा कोई वैसे तो दिया नहीं, उसकी प्रॉपर्टी अगेंस्ट तो कर्जा दिया है, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब कर्जा दिया है तो प्रॉपर्टी से वसूल हो जाएगा अगर नहीं देगा, और जब माफ़ हो जाएगा तो फिर देने का प्रश्न नहीं है। अब किसी की लड़की बीमार है, वो 3,000 रुपये मांग रहा है, ऐसे भीख सी मांग रहा है, 3-3 दिन चक्कर लगा रहा है, किसी की शादी है वो परेशान घूम रहा है, तो ये इस तरह का जो वहाँ पे आचरण था बैंक के ऊपर। मैं उधर गया था भ्रमण पे, तो वहाँ बार बार फ़ोन आ रहे थे लोगों के, तो मैं वहाँ गया तो मैनेजर साहब से, मैंने गया अंदर तो मैंने पूछा, भाई मेरा नाम केसर सिंह है और मैं इस क्षेत्र से विधायक हूँ, मैंने पर्चा इसलिए दिया, हो सकता है नाम जानते हो मुझे। तब भी उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, और मैंने कहा जी आपके लोग कस्टमर हैं, इनके आखिर इतनी शिकायतें क्यों मिल रही हैं, तो वो मुझसे भी उन्होंने आग बबूला हो लिए, तो उसी बात को लेकर हार्ड टाक हुई। बहरहाल कोई मारपीट नहीं, कोई इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, बाकी आगे की बातें इतना है। नहीं नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, वहाँ एक दो की शिकायतें नहीं, वहाँ कोई एक आदमी उस बैंक के कोई प्रधान या क्षेत्र का आदमी, कोई एक आदमी कहने वाला नहीं कि ये बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, मतलब ये एक हिसाब से शोषण कर रहे हैं। और विभागों में बदलाव दिखाई पड़ रहा है, सरकार का असर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बैंकों में अभी बदलाव की ब्यार नहीं चल रही है, जबकि हमारे बरेली से केंद्र में भी वित्त मंत्री बैठे हुए हैं और प्रदेश के भी वित्त मंत्री बरेली से ही हैं। यहाँ तो खास तौर से बदलाव दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बरेली की खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकें जो हैं, ये इनमें बदलाव की ब्यार नहीं है, ये बहुत बड़ा शोषण हो रहा है यहाँ पे। अब तो जी शिकायत के लिए तो आप लोग आ ही गए अब तो ये हाँ।